मैं तो भी इस वक्त जो निगरान वज़ीर आला है उनकी तस्वीर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान उनके साथ भी देख चुकी हूँ। तो अब सिर्फ क्योंकि वो निगरान वज़ीर आला बन चुके हैं और उनका इंतखाब हुआ है तो उस पर तनकीद की जा रही है। और वो कहते हैं ना पाकिस्तान तहरीक एतराज़, तो इनको हर चीज़ पे एतराज़ होता है। बाकी ये कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का किसी को अपना बच्चा या बेटा कहना, ये तो उनका बड़प्पन है। वो एक बुज़ुर्ग सियासतदान है जिन्होंने तकरीबन 13 बरस की जेल इस मुल्क में जमहूरियत के लिए काटी है और आज भी वो किसी को गाली नहीं देते, बुढ़बारी और बड़ी मच्योर तरीके से वो हैंडल करते हैं सिचुएशन को। तो मेरा ख्याल है कि इमरान नियाज़ी साहब को ये तरीके सीखने चाहिए जरदारी साहब से कि तमीज़ की सियासत कैसी की जाती है, इज़्ज़त की सियासत कैसी की जाती है। किसी को बेटा या बच्चा तो हम कहते हैं अगर हम बड़े होते हैं उनसे, इसमें कोई ऐब नहीं। चलते चलते मैम और ये बता दें कि गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं क्या पीपल्स पार्टी इसकी हमायत करती है? देखिए मैं बतौर एक कारकुन पीपल्स पार्टी कभी भी किसी अपोनेंट की गिरफ्तारी, चाहे मेरा उससे 10,000 बातों पे इख्तलाफ़ हो, 100 बातों पे इख्तलाफ हो, अभी हम खुश नहीं हो सकते। अगर किसी की कंप्लेन या FIR या कोई शिकायत पर किसी को गिरफ्तार किया है तो कानून के आगे तो हर कोई बराबर है। कल को अगर मेरे लिए कोई पर्चा कटाएगा तो ज़्यादा कानून हरकत में आएगा। अगर ऐसे एविडेंस होंगे आपके साथ होगा तो आप तो मतलब हम कानून के सामने पेश हो वो जायज़ है, लेकिन अगर इनके किसी शख्स को कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई हो तो वो इन पर जो है वो दहशतगर्दी है या क्या है। अब दहशतगर्दी की जहाँ तक बात आती है तो दहशतगर्दों को तो ये भाई कहते हैं, वो लोग जिन्होंने हमारी माओं बहनों बच्चों को निशाना बनाया है उनको ये अपने नाराज़ भाई कहते हैं। तो बाकी रह क्या गया, मतलब दहशतगर्द इनके जिस सूबे में PTI की हुकूमत है वहाँ से दहशतगर्दों को जेल तोड़ के निकाला जाता है और एक बड़े दहशतगर्द को इनकी हुकूमत में यहाँ से रवाना किया जाता है, आपको याद है रातों रात गायब कर दिया। तो दहशतगर्द के तो फैसिलिटेटर ये रहे हैं, अब किसी पर ये इल्ज़ाम लगाएं कि उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है। देखिए किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई जायज़ सबूत है जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है तो आर्टिकल 25 के तहत कानून के आगे हम सब बराबर हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने 13 बरस जेल काटी है, फरियाल तालपुर साहिबा को ईद के से एक रात पहले जो है वो जेल भेजा गया था। अब उसकी मेरिट पे बात हो सकती है, अब हम तो कहते हैं वो नाजायज़ थे, वो गलत था, इसका मतलब ये नहीं कि इनसे कोई बदला ले रहे, बदला ऐसे नहीं लिया जाता। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने एक शिकायत दर्ज की है, उनको ख़तरा होगा, उनको धमकियां मिली होंगी, तो ये तो हर पाकिस्तानी को प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना। आईन में जितना हमें इजाज़त है फ्रीडम की उतना अगले को भी इजाज़त है कि वो ख़ुद को उस पाकिस्तान में महफूज फील कर सके।